हाथी को फॉरेस्ट गार्ड ने आया है। उसके बाद सुबह से हम रेंजर को कोई वेटरनरी डॉक्टर लेके आने के लिए बोला, अभी तक नहीं पहुंचे। और इस प्रकार से पशुओं की परिस्थिति है, इसको आप देख रहे हैं। तो कम से कम फॉरेस्ट विभाग को भी ये जानकारी होना चाहिए कि भाई इस प्रकार से पीड़ित है। यदि अभी यह हाथी मर जाता तो पूरा फॉरेस्ट यहाँ इकट्ठा हो जाते। यदि आदमी मर जाता तो यानी उसका कोई वो नहीं होता। ये पशु भी एक जानवर है, लेकिन वो भी हमारे प्रकार से जीव है। इसकी तड़प को हमसे देखी नहीं जा रही है और ये फॉरेस्ट विभाग वाले किसी प्रकार से इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी बताइएगा क्या क्या है, कैसे हुआ ये? सुबह मैं अपने रूम में था तो करीब 6:30 बजे लगभग आसपास रामरतन का अध्यक्ष का फोन आया यहाँ से जी कि एक हाथी द्वारा 2 पशुओं को घायल कर दिया गया है, एक की मौत हो गई है। उसके बाद मैं तुरंत वहाँ से निकला, करीब यहाँ करीब लगभग वही 6:30, 7:15 पहुँचा हूँ मैं। उसके बाद मैंने देखा यहाँ पर जो भी ये हुआ था, एक की मौत हो गई थी, 2 लगभग तड़प रहे थे। उसके पास मैंने थोड़ा सा उधर टावर में जाके डिप्टी साहब को संपर्क किया हूँ कि इस तरह से घटना हो गई है, आप आइए और की फिर साहब अपने रेंजर साहब संपर्क किए हैं, फिर उनके पास संपर्क करके फिर वो डॉक्टर को लेकर आया करके इस तरह सूचना दिए हैं। अभी तक आप आ रहे हैं ड्यूटी साहब को, मुआवजा के प्रकरण के बारे में अच्छी तरह से डिप्टी साहब लोग, रेंजर साहब लोग बता पाएंगे। हमारी तरफ से सिर्फ लिखित, मतलब फॉरेस्ट गार्ड की तरफ से लिखित रूप से सूचना देनी पड़ती है। मुआवजा की जो भी राशि है, जिस तरह से रहती है, वो सब डिप्टी साहब लोग बनाते हैं। अभी तक यहाँ पे विभाग से कौन कौन आए हैं? विभाग से अभी तक मैं आ पाया हूँ यहाँ बने बाहर का फॉरेस्ट गार्ड, बाकी संपर्क किया हूँ सब लोग, बाकी लोग डॉक्टर को लेके आ रहे हैं। ये डॉक्टर कहाँ से लेके आ रहे हैं? अब वो तो जानकारी नहीं है मुझे किस किस वेटरनरी डॉक्टर से कांटेक्ट करके लेके आ रहे हैं। बाकी बोले गए हैं कि डॉक्टर को लेके आ रहे हैं हम लोग, वेटरनरी डॉक्टर को।